मध्य प्रदेश में गोवंशों की दुर्दशा की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी बीच अब राज्य सरकार के एक फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल शिवराज सरकार ने करीब 12 लाख सांडों की नजबंदी करने का आदेश जारी किया है। सांडों की नजबंदी में शिवराज सरकार करीब 12 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने सभी कलेक्टरों को कहा है कि गांवों में जितने भी सांडे हैं उनकी नजबंदी कर दें। अगले 23 अक्टूबर से इसके लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक प्रदेश में ऐसे करीब 12 लाख गोवंश हैं। सरकार के इस अजीबोगरीब फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने मामले पर सीएम शिवराज को निशाने पर लेते हुए कहा कि मामू शिवराज के दिमाग में गोबर भर गया है, इसलिए ऐसे उजुल फुजुल आदेश जारी कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि गोवंशों की दुर्गति का समाधान नजबंदी नहीं है। गाय बीजेपी के लिए सिर्फ राजनीति का विषय है, लेकिन जब बात गोवंश के संरक्षण और संवर्धन की आती है तो वो मुंह फेर लेते हैं। यह वे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। आनंद जाट ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में हजारों गौशालाओं का निर्माण कराया था और चारे के लिए दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई थी, लेकिन अनैतिक रूप से सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने चारे की राशि को घटाया और गोवंशों से उनका आश्रय भी छीन लिया। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले का अब खुद बीजेपी के नेताओं ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि गोवंशों के साथ क्रूरता की हदें पार की जा रही हैं। उन्होंने कहा सीएम शिवराज और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से इस अभियान पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।